नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। उम्मीद आप सभी बढ़िया होंगे। आज हमारे बीच हैं अनिरुद्ध जी, और अनिरुद्ध ने आपका 2024 का CUET PG LLB एग्जाम दिया हुआ था, जिसमें इनका बहुत अच्छा रैंक भी बना और प्लस इनको CLC मिला था। हालांकि इन्होंने CLC में जाने के बाद में इनका मूड चेंज हुआ और अब ये LC2 में पहुंचे हैं। अब बाकी इनकी जर्नी हम समझेंगे कि क्या रीज़न रहा और कैसे इन्होंने प्रिपरेशन की, किन किन पॉइंट्स को इन्होंने देखा। तो अनिरुद्ध वेलकम, कैसा लगा था आपको जब आपका रिजल्ट आया था? सर बहुत अच्छा। पहले तो ऐसा यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी बच्चे लास्ट ईयर ड्रॉप दे के भी प्रिपेयर कर रहे थे, तो डर था कि मेरे को भी ड्रॉप लेना ना पड़ जाए। बट इट वाज गुड सर, रिजल्ट अच्छा रहा, खुशी हुई, काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ में जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा हाई पे नाम है सर इंस्टीट्यूट का, तो बहुत ही अच्छा था। तो जनरली एक प्रिपरेशन का होता है, तो प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कब की थी, कैसे डायरेक्ट आप ऑनलाइन की तरफ आए थे या कैसे प्रिपरेशन आपने की? सर प्रिपरेशन तो मैंने एक लॉ इंस्टीट्यूट में लेने के लिए, लॉ करने के लिए फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में स्टार्ट कर दी थी। तब मेरे को क्लैट देना था। ओके। तो मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की, हौस खास। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेकार था सर, काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड किया सर उन्होंने। वो DU LLB का पढ़ाते थे एक्चुअली, एंड कंबाइंड क्लास करके वो उसमें ही बच्चे बैठाते थे। एंड में लाइक 2 मंथ पहले हमें पता चला कि यार ये सिलेबस है, ऐसे करना था, तो फिर हमने सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो बहुत बेकार था। तो फिर एक ज़िद भी बन गई सर कि एक वेल नोन इंस्टीट्यूट लेना है, यूनिवर्सिटी लेनी है। तो फिर धीरे धीरे सोचा कि लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो थोड़ा थोड़ा सर खुद स्टार्ट किया। फिर सर अड्डा का मैंने एक दो दोस्त हैं मेरे नॉन हैं, उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो उनसे पता चला कि अड्डा 24/7 में अच्छा है, मतलब कि प्राइस वगैरह के हिसाब से आप कंपेयर करो और क्लासेस अच्छा है। तो फिर मैंने अड्डा ज्वाइन किया सर अगस्त में। फिर मैंने वहाँ से अपनी प्रॉपर एक प्रिपरेशन, अपना एक पाथ स्टार्ट किया कि हाँ मेरे को ये करना है। अच्छा था सर अड्डा 24/7 में, मैंने अगस्त में ज्वाइन किया और अराउंड 6 से 8 महीने मेरे को लगे और मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, बहुत ही अच्छा गया। मतलब मेरे काफ़ी सारे डर थे, लाइक मैथ्स हो गया और इंग्लिश हो गया, GK तो सर आप ही पढ़ा रहे थे। GK में भी ऐसा था सर, मेरे को GK का क्या था, मैं साइड कर देता था कि नहीं यार ये पोर्शन नहीं करना, इसमें पता नहीं कितने आए ना आए क्वेश्चन, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, सब चीज़ें होती हैं। पर सर आपने मतलब कि काफ़ी ही आपने अराउंड सर 1.5 से 2 महीने में बस बहुत अलग टाइम था सर, वो 1 मंथ ही था। सही है। तो अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं, अभी आपने बताया कि जैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, सो आपका ग्रेजुएशन किस में था और क्लैट की प्रिपरेशन अगर आपने उस टाइम पे स्टार्ट करी थी, फिर क्लैट क्यों नहीं किया, फिर आगे उसको कंटिन्यू? सर मेरा ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में, बी ऑनर्स ज्योग्राफी किया मैंने सर शिवाजी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और सर क्लैट का एक्चुअली मैंने 12th में अटेम्प्ट दिया, वो ऐसे ही दिया कि यार देते हैं, मतलब तब इतना पता नहीं था, इतनी गाइडेंस नहीं थी, इतने मतलब कोई मेंटर नहीं था हमारे साथ, तो दे दिया। उसके बाद लगा कि यार देते हैं, लाइक NLU में मिलेगा एडमिशन, तो फिर कोचिंग ज्वाइन की सर, वो मैंने आपको बताया, फिर वो मिसगाइड वाली चीज़ हुई। तो फिर कॉलेज का फिर सेकेंड ईयर आ गया सर, फिर 2 साल का ड्रॉप लेना ठीक नहीं लगा, तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का पता चला, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फिर MSCET का भी पता चला, तो लगा कि हाँ 3 ईयर में भी स्कोप है, अच्छे कॉलेज हैं, वेल नोन इंस्टीट्यूट हैं, तो आप वो दो। तो सर तब से मैंने फिर स्टार्ट कर दिया था। परफेक्ट परफेक्ट। तो इसमें आपने प्रिपरेशन जो स्टार्ट करी थी, आपने बताया कि आपको मैथ से डर लगता था एंड इंग्लिश से डर लगता था, तो मतलब स्टार्टिंग जब करी थी तो एक होता है बच्चे में कि यार स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट को हम पहले प्रेफरेंस दें, या आपने इक्वली लेके चले थे सारे सब्जेक्ट्स? सर मैं अपना बताऊं तो मतलब गलत था वो वैसे, पर आपको इक्वली लेके चलना चाहिए सब सब्जेक्ट को। हमने देखा हमारे टाइम पे सारे ही सब्जेक्ट से आप कंप्यूटर को साइड रख देते हो, GK को रख देते हो कि यार 2-3 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर से 2-3, बट अनएक्सपेक्टेडली कंप्यूटर से भी 15-20 क्वेश्चन थे, GK भी काफ़ी थी, मतलब सबको इक्वली डिवाइड किया था, इक्वली सबको सबके क्वेश्चन बहुत ही मतलब कि वेल मैनेज्ड और अच्छे से कि 15-15 क्वेश्चन थे सबके, तो
बेकार थी, बेकार लगा एकदम कि यार हमने कंप्यूटर को प्रेफरेंस नहीं दी और ये इतना ज्यादा आ गया, उसी की वजह से बच्चों का स्कोर भी कम रहा। और सर मैथ्स का डर तो मेरे को अराउंड 5 ईयर हो गए थे मैथ्स को छोड़े हुए, मैं मैथ्स से डरता था बहुत ज्यादा। टेंथ से ही मैंने कहा नहीं अब मैथ्स छूनी नहीं है, पर मैथ्स ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो उसके बाद सर मैथ्स अड्डा में ज्वाइन की, पहले विवेक सर अमित सर सर से पढ़ा। सर सर ने मतलब जो कंसेप्ट क्लियर किए, मतलब मैं कह सकता हूँ मेरा डर खत्म हो गया। मैं मैथ्स को छूने में ऐसे लगता था कि यार मैथ्स नहीं मैथ्स, जब ये पता चला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथ्स आ रही है सीयूटी पीजी में, तभी ऐसा होगा कि यार ये भी एग्जाम होगा नहीं होगा क्लियर। बट सर बहुत मैं मैथ्स के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर गया और सब में सारे सही थे, मेरे को डाउट था फिर भी। परफेक्ट। तो मैथ्स में, मैथ्स का तो आपने बता दिया, तो जो बच्चे मैथ्स के लिए डर, जिनको डर लगता है उनको आप कहेंगे कि आप अड्डा की तरफ अगर आ रहे हैं तो टेंशन से बिल्कुल वो टेंशन नहीं। आप ऐसा नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करें, आपने एक बार कोर्स ज्वाइन किया, कोर्स ज्वाइन करने के आप अराउंड 3 से 4 दिन में समझ जाएंगे, वो आपको सब चीज धीरे धीरे समझ आने लग जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी, बट टाइम लगेगा। पर आप एटलीस्ट स्टार्ट करो, स्टार्ट करोगे तो होगा। ऐसा नहीं है कि सोचते रहो कि अब यार कैसे होगा कैसे नहीं, स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके। इंग्लिश को आपने, इंग्लिश का डर कैसे खत्म किया? सर इंग्लिश में सर आशीष सर थे। सर तो एक सर वेल मेंटर, सर से काफी हेल्प भी ली है, सर से कॉल के थ्रू भी। सर आप नहीं आए थे जब, सर से ही एक दो बार सर से गाइडेंस ली, सर ने हेल्प की। मैं डरता था इंग्लिश को भी लेके काफ़ी ज़्यादा, मैंने कहा सर नहीं हो रहा, ग्रामेटिकल एरर तो मेरे बहुत ही बेकार ऐसे जाता। सर कहते कि कोई दिक्कत नहीं है, पर तू क्लासेस ले, अटेंड कर, प्रैक्टिस कर, हो जाएगा। तो इंग्लिश का भी सर मेरा अच्छा जाता रहा, मतलब काफ़ी सही गया इंग्लिश का एग्ज़ाम भी, कोई दिक्कत नहीं रही। आशीष सर बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर ने सिलेबस भी बहुत टाइमली ख़त्म कर दिया, रिविज़न भी अच्छा चला। और ऐसा नहीं है सर से डाउट पूछने के लिए क्लास ही होगी, सर को आप कॉल करो, टेक्स्ट करो। सर सर क्या अड्डा के सारे ही टीचर रिप्लाई करते हैं, वो वेल कनेक्टेड रहते हैं अपने स्टूडेंट से, तो ऐसा लगता नहीं कि आप ऑफलाइन में ऑनलाइन में हो। तो अच्छा है सर, इंग्लिश का भी मेरा अच्छा गया। और बाकी के सब्जेक्ट्स को, जीके एंड कंप्यूटर? जीके में सर पहले उसमें कोई और टीचर थे, तब हमारी उनसे इतनी मतलब इतना पढ़ा नहीं हमने, फिर सर एंड में हमने काफी सारा किया, टीचर नहीं है पहले तो अपने जीके को साइड में कर दिया था। साइड में मैं सर खुद ही नहीं देता था प्रेफरेंस, मैं कि यार ये अनएक्सपेक्टेड आएगी यार, क्या इसमें टाइम इन्वेस्ट करूं। फिर सर आप आए, सर 1 महीने आपने बहुत ही सर बहुत ज्यादा क्लास चल रही है, 2-2 घंटे की क्लास हो रही थी, डेली हो रही थी, ना संडे को छुट्टी ना कभी। तो सर जीके आपने ऑलमोस्ट सारी ही कवर कर ली थी हमारे एग्जाम से, 2 दिन पहले भी आपने क्लास ली, एग्जाम मतलब 1 दिन पहले रात को भी आपने ऐसे रिवीजन कराया कि ये चीज़ें हैं आपके वन लाइनर। और एमसीक्यू तो सर बहुत ज़्यादा हेल्प किया उन्होंने, एमसीक्यूज की पीडीएफ वगैरह मैं रिवाइज करता रहता था। कई क्वेश्चन आए थे सर डायरेक्ट एमसीक्यूज जो आपके पीडीएफ थे उनसे आए थे क्वेश्चन, तो जीके सर हाँ फिर लगा कि यार हो सकता है आप मतलब एक वेल टीम मतलब गाइडेंस मिल जाए, वेल मेंटर हो आपके पास कि हाँ यार ये चीज़ आएगी उनको। मतलब सर एक होता है ना कि प्रॉपर टीचर को पता है कि पैटर्न ये है, यहाँ से आएगा, तो बच्चा नहीं होता डिस्ट्रैक्ट। एक होता है सर हम सब पढ़े जा रहे हैं पर पता नहीं क्या आएगा, तो सर आपसे वो चीज़ मिल गई कि आपको पता था, आपको वेल नोन थे आप इस चीज़ से कि यार ये चीज़ आनी है, इतना पढ़ो, इतना डेप्थ मत जाओ, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं था। राइट। तो मैं अक्सर करके क्लास में ये कहता भी हूँ कि ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना मोर देन सफिशिएंट है। परफेक्ट। तो एक चीज़ और है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं या कोई स्टूडेंट कर रहा होता है तो एक तो उसको स्टार्ट करने से दिक्कत होती है, दूसरा जब वो प्रिपरेशन कर रहा होता है उस बीच में उसको एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन सी रहती है कि वो भूलते जाता है, मतलब उसके माइंड में ये रहता है कि मैं भूल गया हूँ मैं भूलते जा रहा हूँ, उसका क्या सॉल्यूशन था? सर ऐसा कुछ नहीं होता, सबको लगता है, सबके साथ प्रॉब्लम है, आप कोई अगर कोई भी ऐसा सोचता है तो आप कोई अकेले नहीं हो, सबके साथ होता है। आप जब प्रिपरेशन हो जाएगी, आप रिविजन करोगे, आप मॉक लगाओगे, आप खुद कहोगे यार मेरे को आता है, वो एक ऑप्शन दिखते हैं आपके दिमाग में, क्लिक करता है कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये होगा ऑप्शन। अब एकदम तो सर बिल्कुल रटा हुआ नहीं हो सकता क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, तो क्लिक कर जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप भूल जाते हो, बस हाँ रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन जरूरी है, रिवीजन करना है आपको, क्लासेस तो कर ही रहे हैं साथ में रिवीजन। सर बिना रिवीजन के तो आप मत सोचो कि यार हो जाएगा, रिवीजन मस्ट है। सो जैसे आपने एक तो आपका बताया कि ग्रेजुएशन जो है वो आपका ज्योग्राफी में है, तो ज्योग्राफी से लॉ में जाने का, हालांकि आपने बताया कि 12th में, फिर ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में ही क्यों कर किया आपने? सर मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से था 11th 12th में, तो मेरे को सेकंड ऑप्शन ज्योग्राफी ठीक लगा कि मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, मेरे को लगा कि ठीक है कोई ऑनर सब्जेक्ट कर लेते हैं अच्छा रहेगा,
क्या पता हो सर, तब भी डरता कहीं ना कहीं कि यार फिर ये चीज़ हो गई, नहीं मिला कॉलेज। तो सर मेरे को ये था कि मेरे को किसी प्राइवेट कॉलेज से ऐसे नहीं करना था, कि मेरे को एक अच्छे इंस्टीट्यूट से ही करना था। तो डेट्स वाई मैंने एक चांस दिया और मेरे को मिल गया सर, बिना ड्रॉप के मिल गया। ये मेरे को सबसे ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ड्रॉप लेते हैं, वो चीज़ होती है बस, इसलिए। So, अनिरुद्ध फादर क्या करते हैं? सर मेरे फादर रिटायर्ड आर्मी पर्सन है। ठीक है। और अभी वो एक CID में है, गवर्नमेंट सर्विस में। ओके। तो उनका क्या सपोर्ट रहा, मतलब फैमिली का सपोर्ट क्या था जब आप सर? मेरे पापा को कभी ऐसे ना ये नहीं रहा कि ये करना है वो करना है। पापा विल ऑलवेज सपोर्ट की बेटा जो करना है अच्छे से करना है, इतना ऐसे करना है कि तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता उस चीज को। मैंने कहा ठीक है पापा। पापा ने बोला क्या करना है क्या नहीं। मैंने कहा पापा ह्यूमैनिटीज़ करनी है मेरे को। तब मैं सच बताऊं तो मुझे भी कुछ ये नहीं था कि यार ह्यूमैनिटीज़ में क्या होगा क्या नहीं, बट मैंने जिद किया, मैंने ही बोला मेरे को ह्यूमैनिटीज़ करनी है। पापा ने कहा ठीक है, उन्हें लगा कुछ पता होगा। फिर पापा ने एक बार एक फॉर्म भरा मेरा लॉ का, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली, मैंने वो दिया, मैंने उसकी प्रिपरेशन की। सर वो मेरा नहीं हुआ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट, गंदा लगा। तब मेरी ज़िद भी बन गई और कहीं ना कहीं मेरे को सर थोड़ा इंटरेस्ट है डिबेट में, पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट है। तो मेरे को लगा कि यार लॉ विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, तो मैं इस तरफ आ गया। पापा हमेशा ही कहते रहे कि अब भी जैसे मैंने बोला पापा मेरा क्लियर हो गया। पापा ने कहा अच्छा इंस्टीट्यूट है, मेहनत करो बस, वही यही चीज़ कहते हैं कि बेटा आपसे अच्छा कोई ना हो उस चीज़ में, इतना पढ़ लो उस चीज़ को, इतने डेप चले जाओ। तो बस सर सही है, सही है। जैसे जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस दौरान एक बच्चे का होता है कि जैसे आपने बताया कि अगस्त से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो बच्चे के माइंड में ये रहता है कि कितने घंटे पढ़ें, क्या करें, 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें, या फिर कितने घंटे पढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? सर मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो सर 6-7 महीने थे सर 8 घंटे तो लगभग दे देता था। मैं ऐसे घर में तो टाइम नहीं देता था, घर में मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, थोड़ा डिस्टरबेंस रहती थी, डिस्ट्रैक्ट रहते थे, तो मैं सर सुबह 8 बजे लाइब्रेरी चला जाता था, रात को 8 बजे या 9 बजे आता था लाइब्रेरी से। तो मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा सर जो भी आपका फ्री, मतलब फ्री टाइम, बाकी सर सारा टाइम मैं अपना रिविज़न कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं मोस्टली मैथ्स प्रैक्टिस करता था सर, 5 साल का गैप था, वो कहीं ना कहीं डर था यार ज़्यादा क्वेश्चन आ गए ये हमें पीछे छोड़ देगी। तो सर आपको देने चाहिए अराउंड 7-8 आवर्स, कोई बड़ी बात नहीं है, आप निकालो, मेहनत करोगे, एक प्रॉपर प्लान से करोगे तो एनफ है। ओके। तो और एक चीज़ ये भी है कि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कितने घंटे कर रहे हैं, और प्लस मतलब एक पर्सनल आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा कि यूट्यूब से प्रिपरेशन हो सकती है क्या? एंड जैसे आप पेड स्टूडेंट थे, आपने बैच एनरोल किया हुआ था, तो यूट्यूब और पेड क्लासेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है एक्चुअल में आपके अकॉर्डिंग? सर मैंने पहले यूट्यूब से स्टार्ट किया था। हाँ। मेरे को किसी ने बोला कि अड्डा यूट्यूब पे, मैंने किया, मतलब अच्छा था सर, ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे भी अच्छी गाइडेंस मिलती थी, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे हम ज्वाइन हो जाते थे, टीचर्स DBP देते थे। बट सर कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है पेड में, क्योंकि आपको एक फिर एक पर्सनल मेंटर मिल जाते हैं, आप मिले सर, आशीष सर मिले, मैंने काफ़ी गाइड किया आप लोगों ने, तो ऐसे कहीं ना कहीं पर्सनल मेंटर मिल जाते हैं, आप अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हो टीचर से, और काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा होता है सर। एक कह सकते हो कि आप बेसिक तो नहीं, यूट्यूब पे भी ठीक रहता है लेवल, बट एक बेसिक से आप अच्छा लेवल हाई लेवल पे जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं और अच्छा भी रहता है। आपको डेप्थ सारी इन डेप्थ होती हैं, मतलब डेप्थ में जाते हैं चीज़ों के, ऐसा नहीं है कि ऊपर से क्लियर कर दिया कुछ है। और फिर आपके पास एक सर ये रहता है कि हाँ मैंने पेड बैच लिया है, दे विल बी द वन हु विल क्लियर माई ऑल द प्रॉब्लम्स, जो भी है मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो सर वो चीज़ रहती है। और आपको PDF मॉक्स, मोस्टली मॉक्स, अड्डा के मॉक्स की मैं जेन्युइन तारीफ करना चाहूँगा, बहुत रिलेटेबल मॉक्स है सर मेरा, बहुत अच्छे, मतलब मैंने मॉक सेक्शनल टेस्ट दिए, सारे दिए मैंने, और एक नहीं 3 मॉक तो मैंने कम से कम 4-5 बार दिए हैं जो भी थे। मॉक सर बहुत रिलेटेबल थे, जब मैंने एग्जाम दिया ना, मैं बैठा एग्जाम में, तब लगा कि हाँ यार मैंने उतने ही अटेम्प्ट किए जो मैं मॉक में करता था घर पे, ना कुछ एक्स्ट्रा ना कुछ कम, मैंने कहा मेरे को इतना करना है, ये मेरे लिए सफिशियंट है, कहीं नेगेटिव ज़्यादा ना हो। तो मॉक सर आपको मॉक अच्छे मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं, टाइम आपके पास रहता है, आपके पास प्लान रहता है, एक पाथ मिल जाता है कि हाँ इतना करना है, डेली आपको DPPs दे रहे हैं, वो डाउट सेशन हो रहे हैं, वो चीज़ें सर यूट्यूब और उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है।
ओके, तो एक जब प्रिपरेशन करते हैं तो जनरली क्या होता है कि प्रिपरेशन के दौरान मतलब ऐसा केस आपको देखने को मिलता है कि डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो कभी कभार इस सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन नहीं बना, तो कभी वो टॉपिक समझ नहीं आया, तो उसको कैसे टैकल करते थे, क्या करते थे उसके लिए? मैं तो सर बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट होता था मैथ्स को लेके, तो मैथ्स में मॉक देता था मैं, अराउंड नवंबर से मैंने स्टार्ट कर दिए थे मॉक्स, मॉक्स लग ही नहीं रहा मैथ्स का, एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है सर, क्योंकि मैं बता रहा हूँ सर रिलेटेबल मॉक्स होते हैं अड्डा के, क्वेश्चन हार्ड थे, ऐसा नहीं डिफिकल्ट नहीं, ईजी नहीं होते, ईजी भी होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी सोल्व नहीं होते थे मेरे से, तो सर डरता था बहुत ज़्यादा ऐसे, फिर मॉक लगाने से ही डरने लग गया मैं थोड़ा, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, डीपीपी करना भी जरूरी है आप, क्योंकि वहीं से कहीं ना कहीं मॉक में क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में भी आते हैं, आपको एक आइडिया लगता रहता है यार ये क्वेश्चन आएगा इस पैटर्न से आएगा, तो आप देखोगे अड्डा में टीचर्स का, अगर आप मैथ्स में वीक हो तो आप बिल्कुल जरूरी नहीं है बेसिक लेवल से जाओ, वो ट्रिक्स बताते हैं सर, वो ट्रिक 100% काम करती है, मैंने कहीं बेसिक यूज नहीं किया, मैंने सारी सर की जो ट्रिक्स थी मैथ्स की वही यूज कर करके मैं यहाँ तक पहुँचा सर, मॉक्स में पहले बहुत ही कम स्कोर रहता था, बट फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बिल्कुल सही लाइन है और एक्चुअल है सर, मेरे को मॉक्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, मॉक्स देना इज मस्ट, तो वो है परफेक्ट। तो मॉक से आपको एक तो जो डिमोटिवेटेड हो रहे थे तो वो उसको आपने टैकल किया और वो प्रैक्टिस से किया आपने। बिल्कुल सर, है ना, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, परफेक्ट। तो एक चीज़ और ये है मेरी कि जैसे जब प्रिपरेशन करते हैं तो बच्चा परेशान तो होता ही है, उसको डीमोटिवेट फील होता है, तो प्रिपरेशन अगर आपने अगस्त से स्टार्ट कर दी थी तो आपने सिलेबस कब तक ख़त्म कर लिया था और रिवीजन कब किया, वो एक चीज़ भी रहती है। सर सिलेबस मेरा राउंड नवंबर या दिसंबर में ख़त्म हो गया था, जीके का मैं जैसे बता रहा था सर लास्ट में हुआ, बस जीके बच गया था, सिलेबस मेरा तब तक पूरा भी नहीं कह सकते, बट सर गाइड करते थे, आशीष सर भी कहते थे कि बेटा मॉक देना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं है कि सिलेबस खत्म होगा तभी करोगे, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आने हैं, तो मैंने सर नवंबर में मॉक स्टार्ट कर दिए थे, एंड ऑफ नवंबर आई गेस, तो मैंने फेब तक मॉक और जनवरी, सही टाइम भी होता है कि आप दिसंबर कम से कम सर तीन महीने तक करो स्टार्ट, और रिविजन भी एटलीस्ट 3 महीने करो, मैं कम से कम भी 2 महीने आपको चाहिए होते हैं रिवीजन में, आप सोचते हो कि 1 महीने में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी आती हैं यार ये नहीं पढ़ा ये भी पढ़ लेता हूँ, रिवीजन भी करना है, और रिवीजन में भी एक चीज़ नहीं होती, 4-4, 5-5 सब्जेक्ट होते हैं तो टाइम लेता है, तो आपको कम से कम एटलीस्ट 3 महीने पहले रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। एक बच्चों का माइंड सेट रहता है कि CUET PG LLB तो ही है, एंट्रेंस एग्ज़ाम ही तो है, इसको हम 2 महीने में ऐसे निकाल लेंगे, तो आपका उस पे क्या है कि मतलब लास्ट टाइम पे पढ़ के कुछ ऐसा कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं होता सर, मेरे साथ ऐसे भी बच्चे थे जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, जिनका नहीं हुआ, जिनका हो गया, मैं भी सर खुद कहूँगा मैंने 7-8 महीने बहुत मेहनत की है, मैं भी नहीं कहता मैं टॉपर्स में हूँ या है, बट मेहनत काफ़ी की है मैंने, तो मेरे को नहीं लगता कि 2 महीने में हो जाएगा, आप काफ़ी ज़्यादा भाई एक्सट्रीम इंटेलिजेंट हो, कुछ ज़्यादा ही आपको नॉलेज है, तो भाई कुछ कह नहीं सकते, बस मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकता कि CUET PG है, बहुत कंपटीशन है सर इसमें, काफ़ी मैं भी कॉलेज ज्वाइन किया है तो काफ़ी अच्छे बच्चे और वेल एजुकेटेड बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं आप सोच रहे हो कि ऐसे ही बैठता है कोई भी बैठता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सर नेम है, काफ़ी ज़्यादा हाइप है सर, ऑल इंडिया रैंक करता है, तो आसान तो नहीं है, आप कह सकते हो कि आप क्लैट दे रहे हो, थोड़ा बहुत कंपटीशन थोड़ा बहुत कम कह सकते हो, बाकी कंपटीशन है इसमें भी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आपके हिसाब से कितना टाइम देना चाहिए और प्रिपरेशन कब से मतलब सही टाइम है कि स्टार्ट कर देनी चाहिए? सर अराउंड 10 महीने मतलब ले लो आप, 8-10 महीने तो एटलीस्ट, अगर आपने सोच लिया है तो आप 1 साल पहले ही स्टार्ट कर दो, टाइम जाने मत दो, आप मतलब टाइम है थोड़ा ऐसा सोच रहे हो तो एटलीस्ट 8 मंथ तो आपको करना चाहिए यार, 8 महीने तो चाहिए, क्योंकि सर सिलेबस ख़त्म करना है, मॉक्स लगाने हैं, रिवीजन करना है, तो सर कम से कम 8 महीने, मैंने अगस्त से स्टार्ट कर दी थी, मैं तो कहूँगा और पहले करो, क्योंकि मेरे को भी प्रेशर फील होने लग गया था एक टाइम पे कि यार ये चीज़ नहीं हुई ये नहीं हुई ये चीज़ कर लेता हूँ। और स्कूल को और आपने प्रिपरेशन को कैसे, कॉलेज को और प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया था, क्योंकि जनरली क्या होता है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉलेज में ही होते हैं, परसुइंग होते हैं, तो वो कैसे बैलेंस करते हो आप, मतलब आपने कैसे बैलेंस किया था? सर मेरे को नहीं लगता कॉलेज में इतना कुछ हेक्टिक रहता है, ग्रेजुएशन है, थोड़ा बहुत हाँ इंटरनल्स होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं,
तो वो वाली बात है, ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं कह सकता हूँ, मैं और किसी में तो देखो पढ़ा नहीं ना, मेरे को पता दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एग्जाम में एक महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करो, हो जाता है अच्छी CGPA अच्छा स्कोर ला ले आते हो आप, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और इंटरनल्स भी एक दिन का काम होता है, इंटरनल्स में भी, तो जो बच्चा अगर इसको एक एक्सक्यूज बना रहे हैं तो फिर वो एक्सक्यूज बनाते रह जाएंगे सर। एक्सक्यूज बिल्कुल, मतलब मेरे को नहीं लगता कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते, ड्रॉप लेना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत टाइम होता है। मैंने भी सर ग्रेजुएशन, मेरा दिसंबर में सेमेस्टर एग्जाम थे तब मैं मॉक लगा रहा था सर, मैंने 20 से 25 दिन का गैप दिया बीच में, ऐसा नहीं है मैंने तैयारी छोड़ दी, क्लासेस लेता था बट हाँ रिविजन और मॉक में गैप आ गया था क्योंकि एग्जाम वो भी जरूरी थे, यहाँ पास नहीं होते तो वो भी, बट इतना कुछ बड़ी बड़ी डील नहीं है कि यार आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। एक साल पहले करोगे तो एनफ टाइम होगा, अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी इतना बड़ा इशू नहीं है। मतलब टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, इस पे मेरे को वो दो लाइनें याद आ रही हैं कि सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा। जैसे आपका भी सपना था कि आपको ड्यू चाहिए, आपको वेल वो बढ़िया यूनिवर्सिटी चाहिए, तो सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा। तुझे दुनिया से बात में पहले खुद के बहानों से लड़ना होगा। अभी जो आपने एक्सक्यूजेस की बात की, तो जो आपके एक्सक्यूजेस हैं उनसे बाद में लड़ना, उनसे पहले लड़ना होगा दुनिया से बाद में, लेकिन शुरुआत से करना होगा, है ना? सही है। सो जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं इस टाइम पे, उनको आप क्या बोलेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहूँगा कि प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, अच्छी बात है, आपने पहले काफ़ी सही टाइम पे स्टार्ट किया है, बट कंसिस्टेंट रहना, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। आप ऐसे कि 4 दिन यहाँ चले गए, 5 दिन यहाँ चले गए, काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं, बैकलॉग ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। बाकी आप करते रहो धीरे धीरे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, डीमोटिवेट लगेगा बीच बीच में, ऐसा लगेगा ये नहीं आता वो नहीं आता, सिलेबस एक बार ख़त्म होगा, टीचर्स रिविज़न स्टार्ट कराएंगे तो आप देखोगे कि आपका स्कोर बढ़ रहा है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो बस लगे रहो, आपने चूज़ किया है वो चीज़, बिल्कुल लगे रहो, हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। बट हाँ, आपने आपकी बात ये कि आपने स्टार्ट कर दिया एटलीस्ट, और आप हो, आपके पास पाथ है, गाइडेंस है, प्रॉपर एक मेंटर है, तो आपका हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आप अभी से जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि सेल्फ स्टडी से हो सकता है, यूट्यूब से हो सकता है, या फिर सीधा अगर पेड की तरफ मूव करें तो ज़्यादा सही है? सर सेल्फ स्टडी से, मैंने देखो, मैंने आपको बताया मैंने क्लैट स्टार्ट कर दिया था, उसके बीच में मैं सेल्फ स्टडी कह सकते हो थोड़ा बहुत करता था, बट नहीं लगा मेरे को कंसिस्टेंसी, नहीं रह पाती, नहीं रहती, चीजें भी नहीं बन पाती, कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल ही नहीं रहती सर सेल्फ स्टडी से, क्योंकि नहीं पता रहता यार इतना सिलेबस करना है, आज ये क्लास है या ये DPP सॉल्व करनी है, वो हम अपने हिसाब से चलते रहते, नहीं होता तो। और यूट्यूब पे भी क्या है कि सर एक हमारे पास बाउंडेशन नहीं रहती, जब मन किया खोल लिया कर लिया, हाँ ये चीज कर ली, पेड बैच रहता है, लाइव लेक्चर है लेना है, फिर टीचर डाउट सेशन होगा तो इतने टाइम में हमें खत्म करना है, तो पेड बैच कहीं ना कहीं वो चीज अच्छी रहती है कि आप कंसिस्टेंट रहते हो पेड बैच में, और एक मेंटर मिल जाते हैं आपको अच्छे, आप गाइडेंस अच्छी होती है आपके पास टीचर्स के थ्रू, तो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। और अड्डा का मेरे को नहीं लगता इतना कुछ है कि यार महंगा या कुछ है, मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट्स का देखा है, काफ़ी ज़्यादा महंगे भी हैं, ऐसा नहीं है। और अड्डा का टीचर्स फैकल्टी अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप वेल कनेक्टेड हैं और आप खुद को ही बहुत इजीली कनेक्ट कर पाओगे। सर आप जब आए थे आपने फर्स्ट क्लास ली थी, आपसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए थे। और मेरी वो वाली बात तो याद होगी ना आपको कि आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा सर, बिल्कुल ये याद है, और मतलब लगा था कि यार सर ने छोड़ दिया आखिरकार। चलो परफेक्ट। तो बाकी इन लोगों को भी मेरा वही, मैं अभी भी इनको वही कहता हूँ कि जैसे मैं बाकी सबको छोड़ के आया हूँ तो मैं भी लेके जाऊंगा, बस तुम हाथ पकड़े रहना बढ़िया तरीके से, तुम्हें पढ़ाते रहेंगे और करते रहेंगे, सर के साथ चलते रहो जैसे टीचर्स कह रहे हैं आप चलते रहोगे और प्रैक्टिस करते रहोगे, ऐसा नहीं कि क्लास ले ली ठीक है एनफ हो गया भाई मेरा, नहीं यार टीचर्स ने जो चीज कही है यार DPP वगैरह करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत खुद भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं आप टीचर्स पर ही छोड़ दो कि यार टीचर्स ने पढ़ा दिया ठीक है, नहीं हुआ तो इन्होंने पढ़ाया नहीं, ऐसा नहीं होता यार, थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आपने हाथ पकड़ा है तो यार थोड़ा बहुत खुद भी चलो, ऐसा नहीं है टीचर्स ही लेके जाएंगे। सो थैंक यू सो मच अनिरुद्ध पूरी जर्नी शेयर करने के लिए, और होप इन लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छी लगी होगी, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और
अब बताइएगा कि आपका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सा है, है ना? तो फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑफ यू।